नमस्कार, मैं सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। आज हम LLB सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉ में मान्यता के मत थ्योरीज ऑफ रिकॉग्नाइजेशन पढ़ेंगे, यानी मान्यता के मत या थ्योरीज ऑफ रिकॉग्नाइजेशन क्या है, यानी मान्यता प्रदान करने के बारे में अलग अलग विधि शास्त्रियों का क्या मत है या उनकी क्या राय है। तो दो मान्यता के मत या थ्योरीज ऑफ रिकॉग्नाइजेशन को दो पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट थ्योरी आती है कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, निर्माणात्मक मत, एंड सेकंड थ्योरी आती है उद्घोषणात्मक मत या डिक्लेरेटिव थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी की बात करें हम, निर्माणात्मक मत, यानी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, निर्माणात्मक, यानी ये जो इस मत को मानने वाले जो विधि शास्त्री हैं, उन विधि शास्त्रियों के अनुसार मान्यता के द्वारा, यानी किसी नए राज्य को मान्यता प्रदान की जाती है तो उससे नए राज्य का निर्माण होता है, यानी मान्यता अंतर्राष्ट्रीय विधि में बहुत ही जरूरी है। किसी भी नए राज्य को समुदाय का सदस्य बनाने के लिए या उस राज्य का एक अलग से अस्तित्व या व्यक्तित्व कायम करने के लिए, उसकी एक पर्सनैलिटी बनाने के लिए मान्यता रिकॉग्नाइजेशन होना बहुत ही जरूरी है। तो इनके अनुसार मान्यता के द्वारा एक नए राज्य का निर्माण किया जाता है। तो कौन कौन से विधि शास्त्री हैं जो निर्माणात्मक मत या कंस्ट्रक्टिव थ्योरी को मानने वाले हैं? 5 विधि शास्त्री हैं, ठीक है। 5 स्पष्ट मत के हैं और 5 ही सेकंड मत के हैं। तो इसको अपन याद कैसे करेंगे? हीगल, हॉलैंड, एंजिलोटी, लटरपेट और ओपेनहाइम। हीगल, हॉलैंड, एंजिलोटी, लटरपेट और ओपेनहाइम, ये 5 विधि शास्त्री ऐसे हैं जो कहते हैं कि मान्यता प्रदान करने से ही राज्य का निर्माण होता है। जब तक मान्यता प्रदान नहीं की जाती है उस राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है एंजिलोटी। एंजिलोटी के अनुसार मान्यता वो विधिक प्रक्रिया है, मान्यता वो विधिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी राज्य को राष्ट्र तत्व मौजूद होने के बाद में एक व्यक्तित्व, उसका अलग से व्यक्तित्व या उसका अलग से अस्तित्व उजागर होता है। प्रोफेसर लटरपेट के अनुसार नए राज्य में वो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र तत्व तो मौजूद होते हैं लेकिन मान्यता या रिकॉग्नाइजेशन एक ऐसी विधिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्र तत्व मौजूद होते हुए भी अगर उसे मान्यता प्रदान नहीं की जाए, विधिक प्रक्रिया द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की जाए तो उस राष्ट्र का कोई अस्तित्व नहीं होगा। यानी मान्यता के द्वारा उस नए राज्य का निर्माण किया जाता है। मान्यता प्रदान होगी उसे तब ही नए राज्य का निर्माण होगा, जब तक मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी नए राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है। वो किसी अधिकारों को धारण नहीं कर सकता, उसकी लीगल स्टेटस कुछ भी नहीं होता। मान्यता प्रदान करने से ही नए राज्य का निर्माण होता है। कौन कौन से विधि शास्त्री हैं इसको मानने वाले? हीगल, हॉलैंड, एंजिलोटी, लटरपेट और ओपेनहाइम।
ये पांच विधि शास्त्रियों इन पांच विधि शास्त्रियों का मानना है कि मान्यता वो विधिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए राज्य को एक अलग से अस्तित्व या विधिक अस्तित्व कायम मान्यता के द्वारा किया जाता है। नए राज्य का निर्माण किससे होता है? मान्यता से होता है। जब तक मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी उसका अंतर्राष्ट्रीय विधि की दृष्टि में कोई अस्तित्व नहीं होता। सेकंड मत, उद्घोषणात्मक मत, डिक्लेरेटिव थ्योरी। जैसा कि उद्घोषणात्मक मत नाम से ही स्पष्ट हो गया है कि यह जो मत है, इस मत को मानने वाले विधि शास्त्री कौन कौन से हैं? हॉल है, पिट कॉबेट है, फिशर है, ब्राइलरी है और वैगनर है। ये पांच विधि शास्त्री हैं। इन पांच विधि शास्त्रियों के अनुसार मान्यता द्वारा किसी नए राज्य का निर्माण नहीं होता है। मान्यता द्वारा किसी नए राज्य का निर्माण नहीं होता है, बल्कि राज्य तो विद्यमान होता है। मान्यता एक ऐसी प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा घोषणा की जाती है कि ये राज्य अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बन सकता है, उन अधिकारों को, उन ड्यूटीज को, उन विशेषाधिकारों को धारण करने के लिए कैपेबल या सक्षम हो गया है। यानी ये जो पांच विधि शास्त्री हैं, इनका मानना है कि मान्यता या रिकॉग्नाइजेशन से किसी नए राज्य का निर्माण नहीं हो रहा है, बल्कि राज्य तो पहले से ही मौजूद है, उसमें वो राष्ट्र तत्व मौजूद है। वो राष्ट्र तत्व अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार जो राष्ट्र तत्व होने चाहिए वो राष्ट्र तत्व मौजूद है, तब विद्यमान राज्य घोषणा करते हैं कि उद्घोषणा यानी घोषणा करते हैं कि मान्यता द्वारा वो ये उद्घोषणा करते हैं या घोषणा करते हैं कि अब ये राज्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बन सकता है या बनने के लिए सक्षम है। तो दोनों मतों वालों के अलग अलग मत हैं। निर्माणात्मक वाले कहते हैं कि मान्यता के द्वारा तो नए राज्य का जन्म हो रहा है, नए राज्य का निर्माण हो रहा है, जबकि उद्घोषणात्मक मत वाले मानते हैं कि इससे कोई नए राज्य का निर्माण नहीं हो रहा, बल्कि जो राज्य विद्यमान है, पहले से ही विद्यमान है, उस राज्य को मान्यता प्रदान करके सिर्फ ये घोषणा की जा रही है कि अब ये राज्य विधिक व्यक्ति बनने के लिए सक्षम है। तो अलग अलग मत है दोनों ही, अलग अलग विधि शास्त्री हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि निर्माणात्मक और घोषणात्मक दोनों ही मत को मानने वाले विधि शास्त्री अपनी अपनी जगह सही है। कई लोगों का मानना है, जैसा कि मैंने भी लिखा है, ओपेनहाइम निर्माणात्मक के पक्षधर है, पर कंक्लूजन या निष्कर्ष में उन्होंने कहा कि मान्यता थ्योरीज ऑफ रिकॉग्नाइजेशन यानी मान्यता के मतों में दोनों ही मत निर्माणात्मक और घोषणात्मक दोनों ही सही हैं। कैसे? कि दो तथ्य अलग अलग होते हैं, तथ्य और परिस्थितियों के अनुसार दोनों ही मत अपनी जगह सही है। विद्यमान तथ्य की घोषणा करते हैं, अगर यह विद्यमान तथ्य यानी अगर कोई राज्य पहले से विद्यमान है तो वो घोषणा करते हैं, तो ये घोषणात्मक मत है। और अपनी प्रकृति यानी अपनी नेचर के अकॉर्डिंग नए राज्य का निर्माण भी हो रहा है मान्यता के द्वारा, तो वहां निर्माणात्मक मत आता है। प्रोफेसर ओपेनहाइम के अनुसार मान्यता विद्यमान तथ्य की घोषणा करती है तो घोषणात्मक है,
और अपनी प्रकृति के अनुसार वो नए राज्य का निर्माण भी करती है, तो उस जगह वो निर्माणात्मक भी है। कंक्लूजन ये निकलता है कि मान्यता के दोनों ही मत अपनी अपनी जगह सही है। तथ्य और परिस्थितियों के अनुसार मान्यता के दोनों ही रूप विद्यमान रहते हैं। कई बार राज्य विद्यमान है, सिर्फ घोषणा की जाती है, और कई बार मान्यता के द्वारा नए राज्य का निर्माण भी होता है। तो कंक्लूजन में हम अपन ये लिखेंगे, प्रोफेसर ओपेनहाइम के अनुसार मान्यता निर्माणात्मक भी है और घोषणात्मक भी है। जब किसी विद्यमान तथ्य की घोषणा की जाती है तो घोषणात्मक मत है, मान्यता है, और मान्यता की प्रकृति के अनुसार नेचर के रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नेचर प्रकृति के अनुसार नए राज्य का निर्माण हो रहा है, तो वहां मान्यता निर्माणात्मक मत भी सही उचित प्रतीत होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ जाए तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।